हरियाणा के 530 युवा इसराइल के लिए रवाना हो चुके हैं। इसराइल में 10,000 श्रमिकों की भर्ती प्रक्रिया में 1,370 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें 530 को ही इसराइल का टिकट मिल पाया। हरियाणा में यह भर्ती अभियान 16 से 20 जनवरी तक रोहतक में आयोजित किया गया था। अब सरकार फिर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए ऐसी भर्ती निकालने की तैयारी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इन भर्तियों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल की ओर से चलाए जा रहे भर्ती अभियान में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से करीब 5 से 6 हज़ार लोगों का चयन हो गया है। इसराइल जाने के लिए जहाज में बैठे बच्चों में से गुलशन कुमार हरियाणा की यमुनानगर निवासी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इसराइल जा रहे हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने हमारी पूरी मदद की है। गुलशन ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम के तहत उनका चयन हुआ है, जिसमें पहले दस्तावेज वेरीफाइड हुए और उसके बाद स्किल टेस्ट हुआ और सिलेक्शन होने के बाद अब हम फ्लाइट से इसराइल जा रहे हैं। गुलशन ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हमारे पास फोन आया था और उन्होंने हम सबको शुभकामनाएं दी हैं और हम सब युवाओं ने भी तहदिल से उनका आभार जताया। दरअसल इसराइल में यह भर्ती बार बेंडर, राजमिस्त्री और टाइल्स मार्बल मिस्त्री, शटरिंग कारपेंटर जैसे कामों के लिए है, जिसमें चिकित्सा बीमा, भोजन और आवास के साथ 1,37,000 रुपये का मासिक वेतन होगा। इन उम्मीदवारों को प्रतिमाह 16,515 रुपये का बोनस भी प्रदान किया जाएगा। इसराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के एक सूत्र ने बताया कि ये 10,000 कर्मचारी प्रति सप्ताह 700 से 1,000 के बैच में पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण उद्योग के लिए विदेशी जनशक्ति का कोटा 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है और इसराइली सरकार पिछले महीने भारत से 10,000 श्रमिकों के आगमन को मंजूरी दे चुकी है। पहले दौर में लगभग 8,000 श्रमिकों की जांच में से लगभग 5,600 को इसराइल में काम करने के लिए उपयुक्त पाया गया है, जिनमें से अधिकांश भारतीय हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है और हम इसराइल जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, जिसमें हमारी पूरी मदद हरियाणा सरकार ने की है, जिसमें जो हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया हरियाणा रोजगार कौशल निगम है, उसके तहत हमारा सब कुछ कार्य हुआ है, जिसके तहत हमारा स्किल टेस्ट भी हुआ है और डॉक्यूमेंट वगैरह सब उसके तहत ही हमारे वेरीफाई किए गए हैं। सब उन्होंने हर प्रकार से मदद की है। अभी हमारी फ़्लाइट है, आज हम फ्लाइट में जा रहे हैं इसराइल। उसके पहले कल हमारे पास सीएम साहब का फ़ोन भी आया था और उन्होंने तहे दिल से हमें बधाई दी है और हम भी तहे दिल से उन सबका, हरियाणा सरकार का और सीएम साहब का और HKRN की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।